लेकर जा ही नहीं रहे। जो मन भगवान के पास में लेकर जाता है, भगवान उसको खाली कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। कष्ट आए, सोना दुकान पर जाए, उससे पहले आप शंकर की शरण में चले जाओ। आप उसके चरणों में जाकर निवेदन करो, विनय करो, विनती करो, भोला सब दुख काटो महारा, ओ भोला सब दुख काटो महारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो महारा, ओ भोला सब दुख काटो महारा, ओ भोला सब दुख काटो महारा, ओ भोला सब दुख काटो महारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, शिव शंकर जप तेरी माला, ओ भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। अवधूत नाम तुम्हारा, अवधूत नाम तुम्हारा, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, शिव शंकर जपो तेरी माला, ओ भोले बाबा जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। Thank you.
शिशि पे गंगा मस्तक पे चंदा, शिशि पे गंगा मस्तक पे चंदा, शिशि पे गंगा मस्तक पे चंदा, शिशि पे गंगा मस्तक पे चंदा। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, शिव शंकर जपो तेरी माला, ओ भोले बाबा जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ बाबा सब दुख काटो मारा, ओ बाबा सब दुख काटो मारा, ओ भोला 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 सब दुख काटो। हर हर निवेदन करो, हे बाबा, हमारे जीवन में जितना दुख है, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट है, जितना बीमारी और रोग जो भी है, ये सब काट दीजिए बाबा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो, भाव से कहो एक बार, भोला सब दुख काटो मारा। हम तेरी शरण में आए हैं शंकर, है त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है अविनाशी। कष्ट आता है तो सोना दुकान पर ले जाया जाता है, स्वर्ण को दुकान पर ले जाते हैं महाराज। कष्ट आया तो स्वर्ण दुकान पर ले गए, जीवन में कष्ट आए तो इस तन को और इस मन को भगवान शंकर के शिवालय तक ले जाओ। भगवान शिव के दरवाजे तक ले जाओ। हम तो यहां तक कहेंगे शिव महापुराण के अंतर्गत, अगर आप स्वीकार करें तो बहुत अच्छी बात है, ना करें वो आपकी मर्जी। हम तो कहेंगे कि जीवन में अगर जरा सी भी तकलीफ आए ना, जरा सा भी कष्ट, जरा सा भी बीमारी, जरा सा रोग, जरा सा दुख, जरा सी तकलीफ आए, दुनिया के पास में पहले बाद में जाना, आप पहले शिव के पास जाना, आप पहले शंकर के पास जाना। अगर जीवन में थोड़ा सा भी दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, दुनिया के लोग कितना भी टॉर्चर कर रहे हैं, दुनिया के लोग कितना भी दुख दे रहे हैं, आप सब जगह बाद में जाना, पहले शंकर के पास जाकर हाथ जोड़कर कहना, भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। सब जगह बाद में जाना, पहले शिव की शरण में जाना। पर हमारी आदत भी तो बुरी है ना, इस आदत का क्या करोगे? सबसे पहले आपके घर में अगर तकलीफ आई तो आप सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को फोन लगा के बोलते हैं, देख मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है, तू दे देगी क्या? आज का जमाना इतना विचित्र है कि दुनिया फोन लगा के बात भी करती है तो टेंशन में लोग आ जाते हैं, कहीं कुछ मांग ना ले। कहीं कुछ मांग ना ले, टेंशन में। वो तो कहीं कहीं का होता है अनभिज्ञ सा, जिसको टेंशन नहीं, जैसे होता है 2 व्यक्ति बात कर रहे थे आपस में, थोड़ा सा विवाद करने लगे, एक बोला पृथ्वी गोल है, एक बोला पृथ्वी चपटी है। अब वो दोनों लड़ रहे थे, वो बोला कि गोल है पृथ्वी, दूसरा बोला चपटी है। वहीं से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, इन्होंने उससे पूछ लिया, भैया इधर आओ, क्या क्या बात है, ये बताओ कि पृथ्वी गोल है कि पृथ्वी चपटी है? उसने कहा, भैया देखो हम तो इस गाँव के है ही नहीं,
उसने कहा हम तो इस गांव के है ही नहीं, अब बताओ ये कहीं ऊपर से आया था है? अब उससे पूछा कि ये बताओ कि पृथ्वी गोल है कि चपटी है, तो क्या हम तो इस गांव के है ही नहीं, हम तो दूसरे गांवों के हैं। अरे भाई बता तो सकता, पर कोई कोई होता अनभिज्ञ सा, उसको कुछ चिंता नहीं रहती, वो तो शिव के भरोसे पर जीता, शंकर के भरोसे पर जीता। शिव के भरोसे पर जो है महाराज, उसको जीवन में कभी दुख, जीवन में कभी तकलीफ, जीवन में कभी कष्ट नहीं आ सकता, जो शिव के भरोसे पर। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, साधु संगे राम रंगे अंग अंग रंगिए, जाई विधि राखे भोला ताई विधि रहिए। जहाँ जैसा मेरा भगवान रखे, राम रखे, मेरा श्याम रखे, मेरा कृष्ण रखे, मेरा शंभू रखे, उस भाव में हमें रहना है, उस भाव में हमको रहना सीखना है। और जिस दिन हम शिव के भरोसे पर हो गए, जिस दिन हम शंकर के भरोसे पर हो गए, जिस दिन हम शंकर के अनुकूल हो गए, शंकर के भाव में जीना चालू कर दिया, उस दिन हमारा जीवन सार्थक हो गया। आया एक पत्र में देखो, सेवन प्रसाद जी चतरा, निकिता देवी चतरा, झारखंड से आए आप। बैठे निकिता देवी जी चतरा, माइक दो जरा, माइक पहुंचाइए। आपने लिखा है दीदी, पति को किडनी की बीमारी है, उनकी तबीयत बहुत खराब रहती थी, परंतु जब से हम सब परिवार, नमः शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दीदी कहाँ से आए आप? चतरा से। चतरा, रोइए नहीं, बाबा ने अगर कृपा कर कर आपको यहाँ बुलाया है ना, तो बाबा की ही कृपा मानिएगा। हम तो कहते हैं अगर नसीब है पंडित जी, जो आपका हम कथा श्रवण कर रहे हैं पंडित जी। जी आपने इसमें लिखा है कि किडनी का प्रॉब्लम था और ज्यादा था, अभी की स्थिति कैसी है उनकी? ठीक है पंडित जी। पहले से आराम है उनको? ठीक है। बाबा की बस यही कृपा बनी रहे, हम तो बाबा से ये विनती करेंगे कि बाबा और जल्दी से जल्दी उनको ठीक करे और शीघ्र अति शीघ्र स्वस्थ हों, बाबा से यही निवेदन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठो बैठो बैठो, विराजिए विराजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा ने अगर कृपा करी है, हमने कहा था ना आपको कि शेर घाटी वालों पर भगवान की बड़ी कृपा हुई है, अगर बाबा ने करुणा करी है ना और यहाँ बुलाया है, तो शायद शेर घाटी के ही नहीं पूरे बिहार क्षेत्र के सभी जीवों के उद्धार के लिए बाबा ने शिव महापुराण की कथा रखी, कहीं शिव की कृपा हुई, करुणा शिव करे महाराज। आपका भाव अगर निर्मल है और भगवान अगर कृपा करा हुआ है और उसने करुणा करी है, तो वो किसी भी रूप में आकर फल प्रदान करेगा। फिर कहेंगे सोना दुकान लेकर जाओ कष्ट के समय पर, वो अलग बात है, पर इस तन को इस मन को शिव तक लेकर जाना, भगवान शंकर के दरवाजे लेकर जाना, भगवान शिव से विनय करने लेकर जाना, उनसे विनती कर बाबा हमने जीवन में बहुत दुख देखा है, बहुत कष्ट देखा है, पर भरोसा आपका है, विश्वास आपका है, और विश्वास और भरोसा यदि आपका है तो मुझे उम्मीद है डूबने नहीं दोगे। जैसे माता जगत जननी पार्वती जी ने तप करा, साधना करी बाल्यावस्था से, छोटी सी अवस्था में देवऋषि नारद सामने से आकर भगवान श्री हिमालय राज ने पूछ लिया देवऋषि नारद से, हरे नारद जी आप आए हो, मेरी बेटी का भाग्य बता दीजिए, मेरी बेटी की किस्मत क्या बोल रही है, मेरी बेटी का भाग्य क्या बोल रहा है, मेरी बेटी का भाग्य क्या कहता है, जरा बता दीजिए। देवऋषि नारद छोटी सी कन्या को देखकर, पार्वती जी को देखकर उनका भाग्य बताने लगे, छोटी सी कन्या का स्वरूप देखकर, छोटी सी कन्या का रूप देखकर देवऋषि नारद उनका भाग्य बता रहे हैं, उनके भाग्य का निर्माण कर रहे हैं, उनके भाग्य का वर्णन कर रहे हैं कि आपकी जो बेटी है, आपकी जो पुत्री है, उसका स्वरूप यह होगा, उसका आने वाला समय ऐसा होगा, उसके आने वाले समय का क्रम यह होगा। एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, कमला 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 ढेर सारी कमला होगी पूरे शेर घाटी में, और शेर घाटी में क्या पूरे भारत में देखिए, बिमला 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 ढेर सारी बिमला होगी, रामकली रामकली ढेर सारी रामकली होगी,
भेरू भेरू ढेर सारा भेरू होगा, बोलो है कि नहीं सही बात। राम राम ढेर सारे राम, अब मालूम पड़े किसी ने अपना नाम धीरज सिंह रख दिया तो धीरज धीरज ढेर सारे धीरज होंगे, नवीन नवीन ढेर सारे नवीन होंगे, ढेर पड़े। अब तुम सुबह से उठी और सुबह से उठकर तुमने सबसे पहले अखबार खोला और अखबार खोलकर सबसे पहले उसमें राशि पढ़ी और राशि पढ़ी तो क्या देखा, आज मेरी राशि में लिखा है कि मुझे आज ये मिलेगा। अब एक जैसी राशि तो ढेर सारी, बोलो सही है कि गलत है, ना जाने कितनों की राशि एक जैसी होगी, कितनों का नाम एक जैसा होगा, पर विचार करिए किसी को तो सुख मिला किसी को दुख मिला, सही है कि गलत है, ये क्यों मिला? जब राशि में लिखा हुआ है कि तुमको आज धन ज्यादा मिलेगा, संपदा ज्यादा मिलेगी, नौकरी मिलेगी, तुम्हारी उन्नति होगी, तुम्हारी तरक्की होगी, तुम्हारे ऐसा होगा, जब राशि में लिखा है तो फिर होना चाहिए था, फिर हुआ क्यों नहीं? क्योंकि शास्त्र कहता है, भगवान की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, ये अपनी जगह पर है, ऐसा नहीं है कि राशि देखने से होगा नहीं होगा, पर शास्त्र कहता है राशि के साथ में व्यक्ति को अपना कर्म भी करना पड़ेगा, कर्म जरूर है, व्यक्ति को कर्म भी करना पड़ेगा। और जब तक आप कर्म नहीं करोगे, जब तक कर्म की ओर अग्रण नहीं होगे, तब तक फल कैसे मिले? फल मिले तो फिर मिले कैसे? काम करते रहो, नाम जपते रहो, पार कर देगा वो भी कभी ना कभी। तुम कर्म तो करो, कर्म करते नहीं और विचार करो कि मुझे बस फल मिलना चाहिए। आज के जमाने में दुनिया के लोग बहुत चतुर हैं, सोचे मैं काम कुछ नहीं करूं, कहीं का ऐसा महाराज मिल जाए, कहीं का ऐसा पंडित जी मिल जाए, कहीं का ऐसा महाराज मिल जाए, ऐसी विद्या करने वाला मिल जाए कि बस ऐसी भभूति घुमाए और नीचे से हंडा सोने का निकलता जाए। आज के जमाने में तो लोग इस तुक में लगे कि कहीं का ऐसा महाराज मिल जाए जो ताली बजा से सोने के हंडे निकाल के दे दे, कहीं से ताली बजाए और जमीन में से हंडे निकलते जाए। तो ऐसे महाराज कहीं मिल जाए तो हमको भी बता देना रे दादा, हमें भी बोल देना कि वहां पर सोने के हंडे निकल रहे हैं। और निकलते होते तो पहले महाराज नहीं निकाल लेते? अरे बोलो तो जम के निकालते कि नहीं निकालते? कि पहले अपन तो अपना घर भरे। शिव महापुराण की कथा भी तो वही कहती है कि तुम्हारे पास में 100 का नोट होगा तब तो तुम 1 रुपया किसी को दान दोगे, सही है गलत है? कि तुम्हारे पास में 5,000 रुपए होंगे तो तुम 50 रुपए दोगे, तुम्हारे पास में 50 लाख रुपए होंगे तब तुम 100 रुपया दोगे, तुम्हारे पास में होगा तो दोगे ना। शिव महापुराण की कथा भी तो ये कहती है कि तुम्हारे पास होगा तो तुम किसी को दोगे कुछ। अब दुनिया के लोग कहें कि हमको कैसा महाराज मिल जाए जो सोने के हंडे निकाल दे, पर गीता जी में भगवान कृष्ण ने कह दिया कर्म प्रधान है, काम करिए, तुम कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत रखना, तुम काम में लगे रहना, फल देने की जवाबदारी मेरी है, मैं तुरंत तुमको निकाल कर दे दूंगा। कर्म तो करना पड़ेगा, काम करो ही नहीं और हाथ पैर हिलाओ नहीं, और क्योंकि मैं तो बस कहीं ना कहीं से मिल जा नहीं। कर्म करना पड़ेगा, बिना बिना कर्म के नहीं हो सकता। अब करो, एक चींटी भी अपने दर्रे से बाहर निकलती है, थोड़ा संचय करती है, लेकर आती है, तब जाकर अपना पेट भरती है। भगवान कृपा करता है और उस चींटी से कहता है कि तू दर्रे से निकल कर इधर जाना, यहाँ जाएगी तेरे को कुछ मिलेगा, तू लेकर आना पाना। भगवान चींटी से भी कराए कि थोड़ा थोड़ा कर्म करते हुए चलोगे तो जीवन की सार्थकता बनती चली जाएगी, थोड़ा थोड़ा कर्म करते हुए चलोगे तो जीवन का आनंद प्राप्त होता चले जाएगा। हम कर्म ना करें और विचार कर कर बैठ जाए कि भगवान हमको दे देगा, भगवान भगवान की जवाबदारी है, उसको तो देना है, पर भगवान कहते हैं कि कर्म कर कर आगे बढ़ेगा तो थोड़ा ज्यादा प्राप्त हो जाएगा, कर्म कर कर आगे बढ़ेगा तो थोड़ा अधिकता में प्राप्त हो जाएगा। भगवान देगा, देने में कोई कमी नहीं उसके। माता पार्वती जी का भाग्य देवऋषि नारद बता रहे हैं। माता पार्वती जी का भाग्य देवऋषि नारद बता रहे हो। देवऋषि नारद ने कहा इनको जो पति मिलेगा, नग्न वेशधारी, भस्मी दमाने वाला, जटा जूट बांधने वाला, ऐसा इनको पति मिलेगा,
पार्वती जी की माता मैनावती की आंख में जल भर गया, रोने लगी कि मेरी बेटी का भाग्य ऐसा है कि इसको जो पति मिलेगा ऐसा मिलेगा, तो इससे तो अच्छा मैं बेटी का विवाह ही नहीं करूं। इससे तो मैं बेटी का विवाह ना करूं। अब एक परिवार में एक लड़की को अगर दुख है, बड़ी दुखी है वो बेचारी ससुराल में, तो उसको अगर किसी ने देख लिया तो क्या दूसरी बेटी का विवाह नहीं करोगे? अरे बोलो तो जम के, नहीं करोगे क्या? करोगे तो सजना भाई, हो सकता है उसका भाग्य अलग हो। और जिसके भाग्य में जो लिखा है वो तो होना ही है महाराज। जन्म मरण और परण, परण मतलब शादी, जन्म मरण मृत्यु और परण शादी, ये तीन मेरे देव अधिदेव महादेव के हाथ में है। जन्म मेरे महादेव के हाथ में, मरण मेरे महादेव के हाथ में और परण मेरे महादेव के हाथ में। जन्म मरण परण तीन मेरे देव अधिदेव महादेव के हाथ में, ये तीन शिव के हाथ। डॉक्टर ने कह दिया बहू को बेटी को इतने समय तक डिलीवरी हो जाएगी, जापा हो जाएगा, मालूम पड़े 4 दिन पहले ही हो गया, मालूम पड़े 15 दिन बाद हो गया। जन्म उसके हाथ में, मरण मृत्यु, लोगों ने देखकर कहा था इस तो खूब जिएगा, इसकी तो खूब उम्र है, खूब बढ़िया पत्रिका, क्या जोरदार इसके हाथ की रेखा, ये तो खूब जिएगा। अब मालूम पड़े बीच में कोरोना हो गया और निपट गई। अब पत्रिका का क्या करोगे? अब वो हस्तरेखा का क्या करोगे? मर मृत्यु लिखा, मरण ये मरेगा। डॉक्टर ने कह दिया इसकी अंतिम सांसें चल रही है, इसके प्राण छूटने वाले हैं। डॉक्टर ने कह दिया इसको घर ले जाओ, अब इसका अंतिम समय है, अंतिम श्वासें हैं, मालूम पड़े। और घर ले गए, डॉक्टर ने तो कहा था 2-4 दिन में ये निपट जाएगी, मर जाएगा, मालूम पड़े घर ले गए 2 महीने हो गए। जब जब बीमार पड़ती नीचे गोबर लीप के तुरंत अम्मा को नीचे सुला देते और गीता जी का पाठ सुना देते, अम्मा वापिस जिंदा हो जाती, वापिस जिंदा, वापिस पलंग पे सुला। फिर अम्मा बीमार पड़ी, फिर नीचे सुला दिया, फिर जिंदा। अच्छा कई कई तो फोन लगा के पूछे गुरुजी से, गुरुदेव हमारी अम्मा को हमने 4 बार गीता जी सुना दी, 5 बार गाय दान दे दी, 25 बार तुलसी का दल गंगा जल पिला दिया, पर नहीं जा रही। भगवान से तो पूछो कि क्यों नहीं ले जा रहे, भगवान बोले कभी नीचे भजन नहीं करा, नीचे मृत्यु लोक में कभी भजन नहीं करा, नाम जाप नहीं करा, मंत्र जाप नहीं करा, स्मरण नहीं करा, कैसे लेकर जाऊं इसको? जन्म मरण और परण विवाह, कितनी भी कोई कह दे कि अगले महीने तक हो जाएगा, बस बहुत अच्छा ग्रह आ रहा है, शादी हो जाएगी, मालूम पड़े 1 साल निकल गया, 1 साल। जन्म मरण परण, किसी ने कहा था 12 महीने बाद होगी, मालूम पड़े 15 दिन में ही पक्की हो गई। जन्म मरण परण तीन शिव के हाथ, शंकर ने किसी को नहीं दिया ये, किसी को भी। इसलिए आज भी ब्राह्मण कहते हैं अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमार पड़ गया, बहुत बेकार हालत हो गई, वेंटिलेटर पे डाल दिया गया, तो पंडित जी क्या कहेंगे कि महामृत्युंजय का जाप करवा, क्योंकि ब्राह्मण को मालूम है कि अगर जन्म मरण और परण शिव के हाथ में है तो मृत्यु शंकर के हाथ में है। अगर महामृत्युंजय का जाप प्रारंभ करवा दिया तो यह पक्का है कि वो प्राण कुछ देर के लिए रोक सकता है, वो महामृत्युंजय के मंत्र में वो बल है, इसलिए ब्राह्मण कहते महामृत्युंजय का जाप करें।
इसका अनुष्ठान कर लीजिए, जप कर लीजिए। उस जप को धारण कर लीजिए। पर एक बात आपसे हम कहना चाहेंगे, थोड़ा सा भले आपको बुरा लगे चाहे भला लगे, जितने श्रोता टीवी के माध्यम से सुन रहे हो, आस्था के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे फेसबुक के ऊपर श्रवण कर रहे हो, सबसे हमारा एक निवेदन है, इस बात को ध्यान में रखना कि आज के समय में एक नया फैशन निकल गया है कि मोबाइल में महामृत्युंजय मंत्र डाल दिया जाता है और चलते फिरते खाते पीते महामृत्युंजय मंत्र बजता रहता है, या गायत्री मंत्र आपने अपने मोबाइल में डाल लिया, हनुमान चालीसा आपने अपने मोबाइल में डाल ली, चलते फिरते खाते पीते आप वो जप रहे हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है महामृत्युंजय वो मंत्र है जिस मंत्र के बल पर स्वयं भगवान शंकर सामने आकर खड़े हो जाते हैं मृत्यु को जीतने के लिए। और उस मंत्र को आप गलत काम कर रहे हो, उसमें भी बज रहा है, रिंगटोन में चालू कर दिया है, मालूम पड़े सोच कर्म के लिए बैठे हो, कहीं वॉशरूम में गए हो, कहीं मुंह धो रहे हो, उल्ला कर रहे हो, गलत किसी से झूठ बोल रहे हो, बात कर रहे हो, और वो मंत्र तुम्हारे मोबाइल में बज रहा है, उसका दोष तुमको सहन करना पड़ेगा, उसका कष्ट तुमको सहना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं सहेगा। मंत्र का प्रयोग, मंत्र का उपयोग आप करो, मना नहीं है, परंतु उस मंत्र का प्रयोग जब आपको लगे कि मुझे इस मंत्र की जरूरत है तब उस मंत्र को छोड़ा जाए। भगवान राम के उस तर्कस के अंदर कितने बाण थे, पर भगवान ने समय समय पर छोड़े कि हाँ अभी इस बाण की जरूरत है छोड़ दिया जाए, अब इसकी जरूरत है छोड़ दिया जाए, अब इसकी जरूरत है छोड़ दिया जाए। लक्ष्मण जी ने बार बार भगवान राम से कहा एक मिनट में निपटा दो इस रावण को, भगवान कहते नहीं, पहले छोटे छोटे बाण छोड़े जाएंगे, डॉक्टर भी अगर टेबलेट देता है, डॉक्टर भी दवाई देता है, तो पहले छोटी छोटी देता है कि हाँ ये काम कर जाएगी, ये काम कर जाएगी, ये काम कर जाएगी। जब इतने MG की काम नहीं करती, 60 MG, 70 MG, 200 MG की काम ना करे, फिर 500 MG पर पहुंचता है कि हाँ अब ये दवाई काम करेगी, 500 से फिर आगे बढ़ेगा 550 MG की, 600 MG की भेजे। जब ये काम ना करे तब तब दिया जाता, उस मंत्र का प्रयोग करो, जपो। और जब हम किसी कष्ट में हो तब किसी ब्राह्मण देवता के पास जाकर निवेदन कर कर कहें, ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मण देव, आपकी कृपा हो, हमें महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करवाना है, मेरे दादा, मेरे पिता, मेरी माता, मेरी बहन, मेरा भाई, उसकी स्वास्थ्य। फिर ब्राह्मण देवता संकल्प ले, और संकल्प लेकर फिर वो महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करे, उसका जो फल हो, उसका जो सुख हो, वो एक आनंद देने वाला, उसका ही कानून है। जीवन की शरणागति का पथ है, सुख देने वाला, आनंद देने वाला। आज शिव महापुराण की कथा कह रही है पार्वती जी मैया का भाग्य, देवऋषि नारद ने बता दिया कि इनको ऐसा पति मिलेगा, किसके भाग्य में क्या लिखा है किसी को नहीं मालूम। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो तुम मां बैठ कर सारी दुनिया के लोगों को इतना इतना पैसा दान देते हो, तुम्हारी बेटी दुखी है, तुम्हारी बेटी का भाग्य में कुछ नहीं लिखा, उसका पति बेचारा कुछ नहीं करता, रोता रहता दिन भर बैठकर, मेरी बेटी रोती रहती है, तुम दुनिया भर में इतनी कथा सत्संग करा रहे हो, अपनी बेटी को थोड़ा दान नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत पैसा अपनी बेटी को दे दो। पति बड़ा विद्वान था, पति ने अपनी पत्नी से कहा, फालतू बात मत करना, मेरी बेटी का भाग्य अच्छा नहीं है इसलिए नहीं दूंगा। तो इतने में पत्नी ने कहा, तुम क्या भाग्य विधाता हो जो तुम कह रहे हो कि मेरी बेटी का भाग्य अच्छा नहीं है, तुमने उसका भाग्य लिखा है क्या? इतने में पति ने कहा, अगर बेटी का भाग्य अच्छा होता तो इतने करोड़पति के घर में दी थी मैंने बेटी को, और मालूम पड़े रोड़पति में हो गई। करोड़ों का धन देख कर दिया था, बड़ा बंगला देख कर दिया था, परिवार देख कर दिया था, पति सर्विस कर रहा था, नौकरी कर रहा था, सब कुछ देखकर मैंने बेटी को ब्याहा था, उसके बाद बेटी दुखी क्यों हुई? अगर भाग्य अच्छा होता तो दुख क्यों होता?
इतने में पत्नी ने कहा फालतू बात मत करो, मैं बेटी को दूंगी। तो पति ने कहा तेरा फर्ज है, तू माँ है, दे सकती है, दे, तुझे जितना देना दे। और पत्नी ने आज अपनी बेटी और दामाद को भोजन के लिए बुलाया, बेटी तो नहीं आई, दामाद भोजन करने आया। और पत्नी ने क्या करा कि लड्डू बनाए तिल के, और तिल के लड्डू बनाकर उस लड्डू में सोने की गिन्नियां फंसा दी, सोने के सिक्के फंसा दिए, सोने की गिन्नियां फंसाई, डब्बे में भर दिया। और जमाई से कहा भोजन करने के बाद, ये डब्बा ले जाओ, इस डब्बे को मेरी बेटी को दे देना। जमाई साहब हो माँ, अगर मैं बता कर दूंगी तो जमाई लेगा कि नहीं लेगा, उसको बुरा लगेगा कि मेरी सास ने बता मुझे सोना दे दिया, उसको बुरा लगेगा कि जैसे हम भिखारी हो। तो उसने लड्डू के अंदर सोने की गिन्नियां फंसा कर दे दी। वो लेकर गया, रास्ते में जाते जाते उसके मन में आया कल बच्चों की फीस जमा करना है, पैसा नहीं है घर में बिल्कुल भी, एक काम करता हूँ, सास ने मुझे लड्डू दिए हैं, इसको हलवाई की दुकान पर बेच देता हूँ, 500 रुपये मिलेंगे, उस 500 रुपये की मैं फीस जमा कर दूंगा। हलवाई की दुकान पर गया, सेठ जी ये लड्डू ले लीजिए। सेठ जी ने लड्डू सूंघे तो बड़े अच्छे थे, लाओ दे दो हमको, ये लो 500 रुपये। 500 रुपये दिए, वो घर लेकर चले गया। शाम को सेठ जी वापिस आ रहे थे, सेठ जी आते आते उनके मन में आया आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है, लड्डू लेता हुआ चलता हूँ। हलवाई की दुकान पर गए, आवाज लगाई, सेठ जी कहाँ हो? सेठ जी आए, बोलो साहब लड्डू दे दो जरा, 2-4 किलो, ताजा डब्बा आया है लड्डू का, यही ले जाओ। लड्डू का डब्बा दिया, सेठ जी घर ले जाकर लड्डू पहुंचे। आज पत्नी का जन्मदिन था, जन्मदिन पर लड्डू जैसे ही पत्नी के मुंह में दिया तो सोने की गिन्नी आ गई। पत्नी ने पूछा ये लड्डू कहाँ से लिया? इतने में पति ने कहा हलवाई की दुकान से लाया हूँ। ये लड्डू हलवाई की दुकान पर कहाँ से आ गए? पता नहीं। पत्नी की आंख में से आंसू बहने लगे कि ये लड्डू तो मैंने जमाई को दिए थे। पत्नी ने पति के चरण पकड़े, आप सही कहते हो, भाग्य में नहीं होगा तो कोई कितना भी दे दे पहुंच नहीं पा सकता। कितना ही देकर देख लीजिए, भाग्य में होगा तो दौड़ कर आएगा, भाग्य में नहीं होगा तो तुम करोड़ों का धन दे दीजिए, कुछ नहीं मिल पाएगा। कितना झगड़ा कर कर, भाग्य में हो क्यों ना मिले। कितने लड़े एक मकान के चक्कर में, भाई भाई लड़े एक मकान के चक्कर में, मेरा है, माँ ने मेरे को दिया था, मम्मी ने मुझे दिया था, पिताजी ने मुझे दिया था, लड़ाई करी, अदालत में बात हुई, सब कुछ करा, विवाद पर विवाद, विवाद पर विवाद, मकान ले भी लिया, अब उसमें कितने दिन रहे मालूम पड़े, परमात्मा ने हाथ पकड़कर खींच लिया तो मकान में कौन रहे, कौन रहे? भगवान से कहना, भगवान हमें किसी के भाग्य का मत देना, भगवान हमको हमारे भाग्य का देना, इतना देना कि जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा करवाऊं, इतना मुझे दे देना, बस मुझे अपने भाग्य का देना। जैसे आज दिलीप जी अग्रवाल कथा करवा रहे हैं, ऐसी कृपा शेर घाटी पर फिर हो। और भगवान से प्रार्थना करना, ऐसा धन मुझे देना, कमाया 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 आखिरी में छोड़ दिया, और फोटो इतना बड़ा दीवार पे टंगाया, ऐसा कमा कर नहीं छोड़ना। भगवान से कहना ऐसा देना कि जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा मैं भी करवाऊं, अपने जीवन को सार्थक मैं भी बनाऊं। कमाया पतियों ने, मना नहीं, दुकान जमीन जायदाद सब सब कमाया, दुनिया भर की दौलत भी बनाई, किसके काम की? मकान बनाया, उसमें कितने तुम रह रहे हो? इतना बड़ा मकान, और मकान में भी तुम्हारा कमरा इतना बड़ा, उसी में एक पलंग, और उस कमरे में भी तुम्हारी जगह कितनी, पलंग पे भी इतनी जरा सी जगह, उसमें अलमारियां 4-4, तुम्हारे कपड़े रखने की अलमारी कितनी, एक, और एक अलमारी में भी आधी, आधी में तो जगदम्बा की साड़ी, तुम्हारी तो आधी है, कितना कमाया सब नहीं छोड़, क्या गया सब धरा गया। बस एक चीज अपने साथ में जाती है, भगवान का जो भजन करा वो, जो दान करा वो, जो पुण्य करा वो, जो सत्कर्म करा वो, और जो भगवान की कथा को श्रवण किया वो अंतिम समय तक साथ चला जाता है, सब छूट गया, बाकी का पड़ा रह गया सब धरा की। और जो मर मर के चले गए ना, वो भी फोटो में टंगे हुए स्माइल देते हैं अपने को देख देख के। तुम्हारे घर में जितने मरे हुए गए उनका फोटो आज शाम को जाके देखना, मुस्कुराते हुए मिलेंगे, कोई ऐसा सिर पे पल्लू डाल के मुस्कुराए, और कोई टोपी मोपी लगा के मुस्कुराए, मुस्कुराते हुए दिखेंगे, और उनके गले में एक प्लास्टिक की माला, वो भी पंखा चले तो माला हिले,
और वो फोटो में भी अम्मा इसलिए स्माइल देती है, बेटी हम भी जोड़ जोड़ के मर गए, आखिरी में टंग गए, और तू भी जोड़ जोड़ के मर जाएगी, आखिरी में तू भी टंग जाएगी। यही लाइन से ढेर सारे टंगना कर लो भजन। कभी कभी अपने अपने पतियों से पूछ लिया करो, किसके लिए कमा रहे हो, इतना धन किसके लिए जोड़ के ला रहे हो, किसके लिए झूठ बोल रहे हो, किसके लिए प्रपंच कर रहे हो। पति कहेगा मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, पति कहेगा मैं अपनी पत्नी के लिए, मैं अपना वैभव बनाने के लिए, अपना नाम चलाने के लिए, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए। तो पत्नी ने कभी कहा अपने पति से कि तुम झूठ बोल कर कमाना। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जो अपने पति से कहती हो कि दिन भर झूठ बोलो, कितनी बैठी है जो अपने पति से कहती हो कि झूठ बोलकर कमा के लाओ, कितने बच्चे बैठे हैं जो अपने पापा से कहते हैं पिताजी मेरी पढ़ाई के लिए तुम झूठ बोलना, बेईमानी करना, छल करना, प्रपंच करना, कपट करना। ना तो बेटे ने कभी कहा, ना कभी बेटी ने कहा, ना कभी पत्नी ने कहा कि झूठ बोलकर कमाना, उसके बाद भी तुम झूठ छल कपट कर कमा रहे हो तो तुम्हारे ऊपर। मरकर व्यक्ति जब ऊपर जाता है, यम की केज चढ़ता है, वहां जाके रोता है कि मैंने झूठ बोला था पत्नी के लिए, मैंने झूठ बोला था अपने बच्चों के लिए, मुझे अकेले को नरक मत डालो, मुझे अकेले को नरक मत पटको। तो यमराज कहते क्या चाहते हो, मेरी पत्नी और बच्चों को भी तो नरक डालो, क्योंकि उनके लिए कमाया था, उनके लिए जोड़ा था, तो पत्नी और बच्चों को भी नरक डालो। तो यमराज कहेगा झूठ किसने बोला तूने, छल किसने करा तूने, कपट किसने करा तूने, बेईमानी किसने करी तूने, तो भोगेगा भी कौन तू। इसीलिए फिर निवेदन है तेरा, क्या होगा रे कालिया, कौन भोगेगा, कोई दूसरा भोगने वाला भोगना तुमको। और मेरी माताओं से निवेदन है, क्यों कहते हैं कि माताओं आप कथा में जाओ, क्यों कहते हैं कि आप सत्संग में जाओ, क्यों कहते हैं कि आप धर्म में जाओ, क्यों कहते हैं कि आप भगवान की भक्ति में लगे रहो, उसका कारण है पति कितनी भी बेईमानी का धन लाए, झूठ बोलकर लाए, प्रपंच कर लाए, आप अगर सत्संग में जाकर बैठ जाती हो तो आपके धर्म का आधा हिस्सा पति के खाते में चला जाता है। आप धर्म तो करो, आप सत्कर्म तो करो, आप भजन तो करो, आप कीर्तन तो करो, मंत्र जाप तो करो, आपकी पूंजी थोड़ी उसके खाते में जाएगी, तो वो भी नरक नहीं भोगेगा, तर जाएगा। और वो तो कहता है कि मेरी कमाई में से 2 रुपया लेकर जाना, कहीं शिव पुराण में, कहीं भागवत में, कहीं धर्म में लगा देना। पर माताएं उसकी कमाई में से निकालती तो है, पर सब डेंटिंग पेंटिंग में लगाई जाती है, तो काहे का धर्म में लगा। मुझे तो आज तक एक बात समझ में नहीं आया कि ये 2-3 घंटा भगवान जाने वो ऐसी कुर्सी पे बिठा दें और ऐसी ककड़ी धर दें और यहाँ से यहाँ तक पोत पुता के और बिठा दें, और ये 3 घंटा एक जैसी ना हिले ना डुले, भगवान जाने इतना बिल पावर कहाँ से आता होगा, इतनी मन में कट्टरता कैसे आती होगी कि 3 घंटा बैठी रहे। और नहीं तो यहाँ 3 घंटा बिठाओ तो रामदेव बाबा का पूरा आसन लगा ले, पूरे आसन रामदेव बाबा के लगा ले उतनी देर में, तो वो तो इसका बस नहीं चले तो कपाल भारती भी कर ले इसका। भगवान जाने कई 3 घंटे तक बैठी, फिर वो धागा ले आई, नोचती गई भगवान राम, 2 घंटे तक कांच के सामने पेंसिल से, अच्छा कई बार वो पेंसिल से मुंडा देखे तो ऐसा लगे जैसे भगवान कृष्ण सृष्टि देख रहे, डब्बा भरे कुल्ला सल्ला भगवान, इधर से नीली, इधर से कत्थई भगवान। जब ये लोग श्रृंगार करके शादी में जाए नहीं तब ऐसा लगता है कि शंकर जी की शादी हो रही है, क्योंकि तो सारी डाकनी पिसाचनी चुड़ैल भूत भयंकर सब ही दिख रहे सारे की सारे, कौन देख रहा है। शिव जी के विवाह जैसा तो विवाह किसी का नहीं हुआ, भोलेनाथ जी महाराज तैयार ही नहीं हुए, श्रृंगार ही नहीं करा, भगवान विष्णु ने कहा भोलेनाथ जी तैयार हो, तुम्हें शादी है, नहीं आऊंगा अभी, बारात लेके नहीं जाऊंगा, तो कब जाओगे, तो भगवान बोला अभी मेरा मुहूर्त नहीं आया, तो मुहूर्त कब आएगा, तो इंतजार करते रहे। मैं पार्वती जी की यहाँ एक मुहूर्त निकल गया, 2 मुहूर्त निकल गए, हलवाई भी अपने अपने घर जाने लगे कि भैया बराती नहीं आ रही हम तो हमारे घर जाएं, इतने में भगवान ब्रह्मा जी ने कहा हलवाई भी चले जाएगा खाने को नहीं मिलेगा, भगवान बोले अभी मुहूर्त नहीं आया, मुहूर्त का इंतजार करते रहे। तब 15 दिन बाद सामने से एक अर्थी आई, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, बोलते बोलते आए शंकर जी, उठ के नाचने लगे मेरा मुहूर्त आ गया, अब मेरा मुहूर्त हो गया। शंकर जी की बनात कब निकली थी, जब सामने से अर्थी आई थी, जैसे ही अर्थी आई मुर्दा में आग लगाई, शंकर भगवान मन में सोचे मेरा पाउडर का डब्बा तैयार,
और उन्होंने पाउडर माउडर लगा के जो तैयारी करिए और तैयारी करी और बारात निकली। आज भी नियम है, शिव जी की बारात निकली थी सामने से, आरती आई थी तब शंकर की बारात निकली थी। हिंदू धर्म की रीति है, आज भी आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हो, सामने से अगर मुर्दा आता दिख जाए, आरती आती दिख जाए, समझ लेना तुम्हारा काम सफल हो जाएगा, तुम्हारा कार्य सफल हो जाएगा, समझ लेना। आज भी नियम है, सामने से मुर्दा आते दिख जाए तो कार्य सफल है। स्वप्न में किसी मरे हुए व्यक्ति को देख लो, समझ लो कि आज कोई अच्छा काम होने वाला है। किसी अपने व्यक्ति को मरा हुआ देख लिया, समझ लेना उम्र बढ़ गई। तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम शमशान के पास घर बना लो। हाँ, तुम्हारा क्या भरोसा, ये तुम सोचो सीवर वाला महाराज बोला है कि मुर्दे को देखो तो काम सफल होता है। तुमने कहा अपन मकान ही शमशान के पास बनाएंगे, अपन तो प्लाट ही में ही कर देंगे, तो वहां से रोज आता जाता मुर्दा ही मुर्दा दिखेगा, इनका क्या भरोसा। बारात चली धरा के शिव जी की खूब दौड़ धाम से, और जब बारात शंकर भगवान की पहुंची थी हिमालय राज की नगरी में, देवता आगे आगे, भूत चुड़ैल पीछे पीछे, डाकनी पिसाचनी भयंकर, कोई का 12 मुंह, कोई का 10 मुंह, कोई का गर्जना करे, कोई का लंबी जीवान भयंकर, जिसको कोई नहीं बुलाया उसको शंकर जी ने बुलाया था। अब तुम्हारे यहां शादी में कितने लोग हैं जो भूत को बुलाते हैं, भूतनी को, के गुरु जी इनको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, रिसेप्शन में दोनों दिख जाते हैं, इनको क्या बुलाया था, ये रिसेप्शन में दोनों दिखे, इन्हें बुलाने की जरूरत क्या। भयंकर स्वरूप, और जो हिमालय राज की नगरी में, और आगे आगे ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान ब्रह्मा विष्णु और 33 कोटि देवता सब आगे नाच रहे, और पीछे पीछे उनके डमरू खड़काया तो डाकनी पिसाचनी चुड़ैल बहुत भयंकर आए, अब वो भी नाच रहे। तो इतने में इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मदेव ये बताओ कि आगे आगे जो देवता नाच रहे हैं, इनके तो नाचने का नाम है कि कोई कथक कर रहा है, कोई भांगड़ा कर रहा है, कोई गरबा कर रहा है, पर ये भूत चुड़ैल ऐसे नाच रहा है, हाथ हिला के पाँव हिला के जमीन पे सो जाए, इनके नाचने का कोई नाम है क्या। इतने में ब्रह्मा जी बोले, इसको कलयुग में लोग डिस्को कहेंगे, यही कलयुग में लोग डिस्को कहलाएगा। तो जितने डिस्को करते दिखे, समझ लेना भूत चुड़ैल नाच रहा है, इनको समझ लेना। और डिस्को में होता क्या है, बस हाथ ऐसे हिलाएं जैसे बिच्छू खा गया, भगवान राम। अरे यहां तो ठीक है, हमारे उधर सीहोर के पास में गांव में एक बारात आ गई शहर की, और गांव गांव के अंदर, और एक बाराती जो थे ना वो जमीन पे सो के ऐसे ऐसे करके जमीन पे नाच रहा, तुमने भी देखा होगा ना जाना कहाँ कहाँ का डांस, वो जमीन पे नाच रहा। तो हमारे एक परिचित थे, तो उनकी माता जी को लगा कि इसको बेचारे को मिर्गी आ गई, तो वो तो जमीन पे सो के नाच रहा, तो वो अंदर से सड़ा हुआ जूता लिया, वो सब तो नाचने में लगे, वो जमीन पे ऐसा 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 करे, अब अंदर से जाके जूता ला के ने सुंघा दिया मुंह पे। अब दूल्हे का जो बाप था वो नाचते नाचते आके बोला, ए आंटी वो मिर्गी नहीं है, नाच रही है। अब उसकी अम्मा ने जूता ही मुंह में दिया धर के, ऐसा नाच रही है। ए, ए, नाच ऐसा नाच नाच बारात पहुंची हिमालय राज के दरवाजे पर, बड़ा एक आनंद था हिमालय राज, एक आनंद बड़ा समाया हुआ। अब राम जी के विवाह में और शिव जी के विवाह में एक अंतर है। राम जी के विवाह में पहले भावर हुई थी, फिर भोजन हुआ था। क्या हुआ था, पहले भावर फिर भोजन हुआ था। और शिव जी की शादी में पहले भोजन फिर भावर। 33 कोटि देवता यहां से वहां तक बैठे थे, इधर भूत चुड़ैल भी बैठे थे लाइन से, किसी के 12 मुंह, किसी का हाथ नहीं, किसी का पांव नहीं, किसी का मुंह ही नहीं, वो भी बैठे थे। पत्तल लगाने वाले आ गए, देवताओं को पत्तल लगाई, इधर आए, एक के 12 मुंह थे, उससे पूछा, दादा पत्तल कितनी रखूं, उन्हें कहा 12 रख, तो 12 मुंह से खाएगा। हाँ, और आगे गए,
एक कमू आगे था पीछे भी था, उससे पूछा दादा तू कैसे खाएगा, क्योंकि आगे भी था पीछे भी था, दो पत्तल लगे और आगे गए, एक का मुंह ही नहीं था गला ही गला, उससे पूछा दादा तू कैसे खाएगा, क्योंकि बाल्टी में लाता जा गला में कूड़ता जा। बेरोजगारी करने वालों की आफत आ, सारे के सारे उठे हिमालय राज के पास गए, हिमालय राज देवऋषि नारद के पास गए, नारद जी ने कहा क्या बात है महाराज, ये बारात नहीं जिमाई जा रही, क्या करें। नारद जी ने कहा घबराओ मत, देवता बैठ के जिम रहे ना, इनको जिमने दो पंगत में, और ये इन भूत चुड़ैल के लिए यहाँ से वहाँ तक टेबल लगा दो, और इनको एक एक हाथ में प्लेट दे दो और एक एक चम्मच दे दो, और इनको पूरे ग्राउंड में छोड़ दो खाने दो इनको, ठीक है। इतने में सबको प्लेट चम्मच दे के ग्राउंड में छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से पूछा ब्रह्मदेव ये बताओ देवता बैठ के जिम रहे इनके जिमने का नाम क्या है, तो ब्रह्मा जी बोले इसको पंगत कहते हैं, ठीक है। ये भूत चुड़ैल खड़े खड़े खा रहे इनके खाने का नाम क्या होगा, भगवान ब्रह्मदेव बोले कलयुग में लोग इसको बफेट कहेंगे, यही बफे कहलाएगा कलयुग में। जो भूत चुड़ैल ने उस समय खाया था, समझ गए आज के जमाने में सब खा जो उस समय खाया था, अंतर। तो भाग्य लिखा, ये जो जहां लिखा है भाग्य वो लिखा, ओ डमरू वाले ओ काशी वाले, बाबा की कृपा रहे, शिव ओघरदानी है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है। आपका विश्वास आपका भरोसा अगर शिव के प्रति है, फिर निवेदन करूंगा एक बार डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब हमारे हाथ में नहीं है, अब उसके हाथ में, बोलो सही है, मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक बड़ा डॉक्टर और बैठा हुआ है, एक और बैठा, उसको भी ये मालूम है कि अभी ये अब मेरे हाथ में नहीं, तो उस परमात्मा के हाथ में। देवऋषि नारद ने कहा इस बेटी का जो भाग्य है ये बड़ा विचित्र है, मेनावती कहती हैं कि मैं बेटी नहीं भी आऊंगा, मैं बेटी नहीं भी आऊंगा, पर हिमालय राज कहते हैं कि अगर बेटी के भाग्य में यह सब कुछ लिखा है तो कोई टाल नहीं सकता। एक निवेदन आप सबसे करेंगे, दुख है ना थोड़ा सा अगर आपके जीवन में, शिवजी को आप जल चढ़ाना चालू कर दीजिए। शंकर भगवान को आप जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, अगर दुख है ना जीवन में शिवजी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। और एक निवेदन और करेंगे, अगर दुख समाप्त ही नहीं हो रहा है, कोई बीमारी एक पूरी होती है दूसरी लग जाती है, दूसरी बीमारी पूरी होती है तीसरी लग जाती है, तीसरी बीमारी पूरी होती है चौथी लग जाती है, कुछ प्रॉब्लम चली रही है, तो एक जल के पात्र में जल लीजिए, कलश लोटा पानी का भर लीजिए, और उस पात्र में चावल के दो दाने डाल लीजिए, अक्षत के दो दाने डाल लीजिए, घर में से लेकर जाओ, थोड़ा सा जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए, थोड़ा सा जल पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए, और थोड़ा सा जल या तो आंवले का पेड़ मिल जाए या शमी का वृक्ष मिल जाए, शमी का वृक्ष मिले या आंवले का वृक्ष मिले उसके नीचे डाल दीजिए, तीन जगह पर। अगर कोई बीमारी ऐसी हो गई कि वो समाप्त नहीं हो रही, बड़ी बड़ी तकलीफ, मतलब एक बार दवाई अगर चालू हो गई तो दवाई बंद ही नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको तीन जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, मात्र एक हफ्ते, एक हफ्ते से ज्यादा चढ़ाना भी नहीं पड़ेगा। जैसे एक हफ्ते आप टेबलेट लेते हो गोली लेते हो, एक हफ्ते चढ़ाना प्रारंभ कर दो। सबसे पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्या करना है, जल का पात्र लेना है, उसमें दो दाने चावल के डालना, दो दाने अक्षत के डालिए, पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाओ वहां जल चढ़ाओ, फिर जाइए पीपल के वृक्ष के नीचे वहां जल चढ़ाइए, आखिरी में या तो शमी के नीचे या फिर आंवले के नीचे, इन दोनों में से कोई एक वृक्ष जिसके नीचे। पर एक हफ्ते अगर आपने आंवले में चढ़ाया है तो आंवले में ही चढ़ाना, शमी में चढ़ाया है तो शमी में चढ़ाना, ये बदल के मत चढ़ाना कि आज मैं शमी में चढ़ा देती हूँ कल आंवले में चढ़ा दूंगी, ऐसा नहीं। और ध्यान रखिए एक बात का,
कई माताएं क्या करती हैं, पशुपति व्रत करती हैं, तो अभी मैं ये वाले मंदिर में कर लेती हूँ, अगला मैं उस मंदिर में कर लूंगी, अगला मायके में जाके कर लूंगी, ये गलत है। अगर पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हो तो एक ही मंदिर में करना, मंदिर नहीं बदलना। एक माता ने बड़ा अच्छा प्रश्न, पंडित श्री रामानुज जी पाठक आचार्य जी ने ये प्रश्न किया है, जहाँ भी बैठे हैं उनके चरणों को प्रणाम है, ब्राह्मण देवता के चरणों को बहुत बहुत साधुवाद। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है आचार्य जी, आपको चरणों में नमन करता हूँ बिराजी, बहुत सुंदर प्रश्न है। शिवलिंग घर में पूजन में दो रख सकते हैं क्या, आपका प्रश्न है आचार्य जी। शास्त्र रीति कहती है शिवलिंग घर में एक होना चाहिए, और हमने पहले भी कहा है कि मूर्ति शिवलिंग या भगवान कृष्ण या राम जी या ठाकुर जी या जगदम्बा जी जिसकी आप पूजन कर रहे हो, वो घर में अंगुष्ट आकृति से बड़े नहीं होना चाहिए। भगवान की मूर्ति जमीन पर अपना हाथ रखकर देखिए और इस अंगूठे को लंबा कर देखिए, बस इससे बड़े प्रतिमा घर के अंदर ना हो। अगर है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको उठाकर कहीं रखे हो, है तो उसकी सेवा करो, पर कैसी सेवा करना है, इस अंगुष्ट आकृति से जितनी छोटी 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 मूर्ति होती है उसको सेवा कम करना पड़ती है, जितनी बड़ी मूर्ति होती चली जाती है उसको सेवा ज्यादा करना पड़ती है। जैसे घर में छोटा बच्चा रहता है उसको कुछ भी पहना दो, कैसे भी पहना दो, दूध पिलाओ, सुला दो, पटक दो, खिलौने के साथ खेलता रहेगा। बच्चा बड़ा हो गया, उसके मनपसंद कपड़े चाहिए, मैं ये नहीं पहनूंगा, मुझे ये नहीं पहनना, मुझे ये नहीं पहनना, मुझे वो नहीं पहनना, उसके पसंद का। मूर्ति बड़ी है उसकी सेवा। मान लो घर में दो शंकर जी हैं, आचार्य जी ने केवल स्वयं के लिए नहीं, संपूर्ण जितने इस शिव महापुराण को सुन रहे हैं पूरे विदेश में देश में जहां जहां लोग फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं, बहुत ध्यान से बहुत सुंदर प्रश्न आचार्य जी ने कराया पाठक जी ने। घर में मान लो दो शिवलिंग है तो फिर करना क्या, उसका क्या करें। शिव महापुराण की कथा कहती है एक शिवलिंग को आप भगवान शंकर का नर्मदेश्वर स्वरूप मान लो और एक शिवलिंग को आप काशी का विश्वनाथ का स्वरूप मान लीजिए और उसकी सेवा में लगे रहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि दो शिवलिंग है तो आप उठाकर उसको पीपल के पेड़ के नीचे रखिए आओ या मंदिर में रखवा दो या कहीं रखवा दो, नहीं। जैसे घर में जो बच्चा रहता है उसको हम किसी को दे नहीं सकते, माँ बड़ा पक्का मन बनाना पड़ता है तब जाकर अपने बच्चे को किसी को देती है, नहीं तो मायके तक छोड़ना पसंद नहीं करती अपनी औलाद को माँ, तो हमारे भगवान को कैसे छोड़ दें, हम हमारे परमात्मा को कैसे छोड़ सकते हैं, नहीं, हम उस परमात्मा को नहीं छोड़ सकते, हम कैसे त्याग। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर शिवलिंग दो हैं, ठाकुर जी दो हैं, दो गणेश जी हैं आपके घर में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उठाकर कहीं रख के आ जाओ, उनको छोड़कर जाओ, नहीं नहीं, अपने घर में रखो, सेवा करो, अर्चना करो। हैं, हो सकता है बाबा की कृपा है, वंश बढ़ रहा है, बाबा का उसमें कोई दिक्कत, पर हाथ कर अगर घर में एक ठाकुर जी हैं तो ज्यादा ठाकुर जी लेकर मत आओ, आपके घर में एक शिवलिंग है ज्यादा शिवलिंग लेकर मत आओ, बाजार जाते हो ज्यादा वस्तुएं, भगवान के लिए श्रृंगार लाओ, भगवान की सेवा का सामान लाओ, पर ज्यादा भगवान हमको लेकर जितना बने उतनी सेवा। धन्यवाद पाठक जी, बहुत बहुत साधुवाद विराजी, बहुत बहुत साधुवाद, आपके प्रश्न से कई लोगों को उसका फल मिला, बहुत बहुत साधुवाद। एक प्रश्न हो रहा है आपका, दर्पण, जो दर्पण होता है कांच होता है वो घर में कहां रखना चाहिए। शिव महापुराण के अनुसार तो हम वर्णन नहीं करेंगे, इसका भविष्य पुराण के अनुसार वर्णन करेंगे। भविष्य पुराण के अनुसार जिस कक्ष में आप निवास कर रहे हैं उस कक्ष में ध्यान देना कि जहां आप सोते हैं सोते समय बिल्कुल पांव के सामने दर्पण नहीं होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखें। आप सो रहे हैं, चरण आपका सामने है, दर्पण ना, जैसे हमारे यहाँ झाड़ू की महत्वता कही, जो झाड़ू होती है बुआरी होती है जो झाड़ू को अपन झाड़ते हैं, ये महाराज तीन जगह पर नहीं रखना चाहिए। कितनी जगह पे नहीं रखना है, तीन जगह। पहला, जिस कमरे में पति पत्नी दोनों सोते हों उस कमरे में झाड़ू कभी मत रखना, क्योंकि पति पत्नी में क्लेश बना ही रहेगा, आपस में प्रेम स्नेह नहीं रहेगा। जिस कक्ष में पति पत्नी सोते हों रहते हो उस कमरे में झाड़ू कभी नहीं होना चाहिए, बुआरी नहीं होना चाहिए। दूसरा, जिस कक्ष में हॉल में लोग आकर बैठते हो
और वहां कोई सोफा सेट लगा हो, कोई पलंग लगा हो, उस पलंग के नीचे, उस सोफे के नीचे झाड़ू नहीं होना चाहिए। सास और बहू का संबंध अच्छा नहीं रहता, विवाद होगा ही, ये पक्का है। तीसरा, अन्नपूर्णा का स्थान जहां पर भोजन बनता है, आप भोजन करते हो रसोई घर में, झाड़ू नहीं होना चाहिए। कारण, बच्चों में क्रोध आएगा, चिड़चिड़ प्रवृत्ति बनी रहेगी, और बेटा और बेटी संबंध आप करना चाहते हो समाज में, वो बच्चे गलत जगह पर संबंध करने के लिए आतुर रहेंगे, इसलिए रसोई घर में फुहारी झाड़ू नहीं होना। तीन जगह विराजी बैठिए, तीन जगह पर फुहारी का। कुछ चीजें ऐसी हमारे इसमें भविष्य पुराण के अंतर्गत बड़े बड़े सुंदर भाव वर्णन करें महाराज, उसको समझना है हमारे जीवन में उतारने लायक। कई माताएं कहती हमारे यहाँ क्लेश बहुत रहता है। क्लेश क्यों रहता है? उसका कारण तुम खुद जानती होगे कि क्लेश क्यों है। और ऐसा नहीं है, आप में से कई माताओं ने अभी जो कथा कही इसमें आपको लगा होगा कि हम झाड़ू कहाँ रखते हैं, हमारी झाड़ू रखने की जगह कहाँ है, आपको स्मरण होगा और उसको आप स्वीकार भी करते होंगे भीतर से कि हाँ, हम सास बहू का झगड़ा क्यों हो रहा है, पति पत्नी में प्रेम क्यों नहीं है, बच्चे सुनते क्यों नहीं है, उसका कारण है तीन जगह पर कहीं ना कहीं झाड़ू आप रख रहे हो, यह पक्का। अब तुम किसी पंडित जी से जाके पूछो साहब मेरे घर में शांति नहीं है, तो पंडित जी ये कहेंगे कि तुमने झाड़ू गलत जगह रखी है। वो तो पाठक जी को धन्यवाद दो कि उन्होंने प्रश्न अच्छा कर लिया और उसमें ये उत्तर निकल गया और प्राप्त हो गया आपको, तो उनको धन्यवाद। आपका नहीं, शिव महापुराण की कथा कह रही है, शंकर की कथा कर, ओगड़दान तरकालदर्शी की कथा कर, माता पार्वती की का भाग्य वर्णन किया, मैं बेटी नहीं लिया हूं, भगवान हिमालय राज ने कहा बेटी तो भी आना है, बेटी क्यों नहीं भी आएंगे, बेटी तो भी आना। ललाट पर जो लिखा है, भाग्य में जो लिखा है, वो एक ही जगह पर कट सकता है। भाग्य की रेखा में जो लिखा हुआ है वो एक जगह पर जाकर काटा जा सकता है। कहा? तो कहा आप शंकर के दरवाजे पर जाओ, शिव की चौखट पर जाओ, शिव महापुराण में जाओ, गुरु के दरवाजे पर जाओ और गुरु के चरणारविंद की रज, गुरु के चरण नहीं, गुरु के चरणारविंद की रज अगर मिल जाए तो जैसे त्रिपुंड लगाते हैं, बस भगवान शंकर के चौखट की रज, शिव के दरवाजे की रज, काशी की रज, उज्जैनी की रज, मेरे वेदनाथ बाबा की रज, गंगा की रज मिल जाए, उसको मस्तक पर चढ़ाना है हमको, हमारा भाग्य पलटने में देरी नहीं होगी, उसको चढ़ाना है, लगाना। ललाट शंभो शरणे पड़ी, मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख का दया करी ने दर्शन आपो। हे शंकर कृपालु दया के सागर, कुछ कदम चलकर भगवान के द्वार जाना चाहिए, जहां सदगुरु मिल जाए, गुरु मिल जाए, उसके चरण की रज मस्तक चढ़ाना चाहिए। माता पिता गुरु परमात्मा, घर के बुजुर्ग, घर के बड़े, इनके चरणों की रज सुख देती है, सुख देती है। इसलिए पहले भी कहा है कि माता पिता के चरणों का एक आनंद ही दूसरा है। एक आनंद माई के दुधवन जैसन कौ मिठाई ना मिले, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में पर माई ना मिले।
बड़ा मुश्किल से प्राप्त होते हैं माता पिता को, बड़े मुश्किल से। महाराज पार्वती को एक काम कह दिया। हिमालय राज ने कहा चिंता मत करो मेनावती, पार्वती के भाग्य में अगर नग्न वेशधारी है, भस्मी रमाने वाला, जटा जूट बांधने वाला, मृग छाला पहनने वाला है, टेंशन मत लेना। पति अगर ऐसा मिलना है इसके भाग्य में मिलेगा, पर पति के रूप में भी ऐसा पति मिलना चाहिए कि वो देवाधि देव महादेव मिलना चाहिए, तो बात। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर बनूं मेरा सांवरा तो मेरा चूड़ा अमर हो जाए, जो बार बार जन्मे फिर मरे, फिर जन्म फिर मरण, फिर जन्म फिर मरण, तो ऐसा वर क्या वरना मुझे, मैं नहीं वरूं ऐसा वर। कोई वर भी ऐसा वरूं मैं कि वो अमर हो। पार्वती जी से कहा कुछ मत कर, तेरे भाग्य में अगर गलत लिखा है ना तो शंकर जी का भजन कर। उसने क्या करा माँ पार्वती ने, भगवान अपने पिताजी से सीखा, अपने पिता से कहा मुझे क्या करना है, शिवलिंग का निर्माण कर, बना शंकर जी का शिवलिंग और कर पूजन। और शिवलिंग का निर्माण करती थी माता पार्वती जी और पूजन करती थी। शिवलिंग की पूजन में ऐसी माता पार्वती रख गई, ऐसी रम गई, ऐसी रम गई कि खाना पीना सब छोड़ दिया। कुछ भी नहीं खा रही थी। पार्वती जी का व्रत था, खाना पीना सब छोड़ दिया था, कुछ नहीं खाती थी, फिर भी चुप रहती थी। जिस दिन आपका व्रत रहता है, जिस दिन आप कुछ नहीं खाते हो, उस दिन पति के आधे से ज्यादा प्राण खा जाते हो। कितनी बार फोन लगा रही हूं, बाजार से थोड़ा सा केले ले आना, फोन ही नहीं उठा रहे हो। तो पति ने पूछा आज केले का गिल जी है, मालूम नहीं है आज मेरा एकादशी का व्रत है, आज मेरा व्रत है। पति भी आया बेचारा, केले लेकर आया, पत्नी से कहा ले कुछ खाएगी नहीं, क्यों आज मेरी एकादशी है, अच्छा तो कुछ भी नहीं खाएगी, नहीं सवेरे मैंने 2 गिलास दूध में बादाम डाल के ले लिया, अच्छा कितनी बजे लिया था, सुबह 8 बजे लिया था, अच्छा और अभी तो 11 बजे थी, फिर अभी तो मैंने साबूदाने की खिचड़ी खा ली इतनी, अच्छा अभी दोपहर में कुछ नहीं, मैंने राजगीरे के आटे का हलवा बनाया है और थोड़ी राजगीरे की पूड़ी, आलू की सब्जी और पपीता रखा है, वो खा लूंगी। फिर ये केले काय को बुलवाए, शाम को 4 बजे खाऊ, फिर रात को मैंने एक काम करा है, 5 किलो दूध मंगवा के उसकी रबड़ी बना के और उनको में अच्छा मखाना डाल के, इलायची डाल के रात को वो, तो इतनी सी रबड़ी से तेरा काम चल जाएगा, नहीं मैंने थोड़ी चिप्स वेपर्स भी बुलवाई है, थोड़ी चिप्स तल ली है वो खा लो। इतने में पति भी हाथ जोड़ के बोला तेरे जैसा व्रत तो दुनिया में सिर घाटी में कोई नहीं कर सकता, तेरे बराबर व्रत नहीं कर सकता कौन करे, इतना भारी व्रत, गजब गजब। शिव पुराण कहती है व्रत हो उपवास हो चाहे हमारा जीवन हो, भगवान को देना चाहिए। फूल जैसा होता है ना, फूल देखा, जब पुष्प बंद रहता है, कली रहता है, फूल जब कली के रूप में रहती है तब उसको भगवान को देते हैं क्या, जम के बोलो नहीं। फूल जब खिल जाता है तब उसको भगवान को दिया जाता है, और फूल अगर मुरझा गया तो भगवान को दोगे क्या, नहीं दोगे। यही हमारा जीवन है, जब पुष्प कली रहता है, बचपन रहता है, बचपन भगवान को कोई देता है क्या, नहीं। फूल खिल गया मतलब जवानी आपकी आ गई, युवानी अवस्था आ गई। कई लोग कहते हैं युवानी कोई भगवान के भजन के लिए,
शिव महापुराण की कथा कहती है, फूल जब कली रहता है तो भगवान को नहीं देते, फूल जब मुरझा जाता है तो भगवान को नहीं देते, फूल जब खिला हुआ होता है तब भगवान को दिया जाता है। उसी तरह बचपन तुमने भले भगवान को नहीं दिया और अधेड़ी भले ना दी हो, बुढ़ापे का भरोसा नहीं, पर ये जवानी भगवान को समर्पित कर दो कि यह तेरी है। खिला हुआ पुष्प भगवान को दिया जाए, खिला हुआ पुष्प दीजिए। पर हमारी आदत बुरी है ना, सबसे बेकार आदत तो हमारी है, घर में सबसे पहली रोटी किसकी बनती है? जम के बोलो जल्दी से, है आवाज नहीं आई जरा दमदारी से बोलो, गाय की। सबसे पहली गाय की रोटी बनी, रोटी बन के प्लेटफॉर्म पे रखी रही, वहां से उठी डब्बे पे रखी रही, डब्बे पे से उठी फ्रिज पे रखी रही, फ्रिज पे से उठी अलमारी में रखी रही। गाय आई 3 बजे, 2 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 4 बजे, तब गाय के मुख में गई, सबसे पहली बनी थी सबसे आखिरी में गई। सही है कि गलत है? सबसे रोटी जब कड़ी हो गई, गल गई, बेकार हो गई, चीटी पड़ गई, पानी गिर गया, तब वो गाय के मुख में गई। अगर ताजी रोटी गाय को दे देते तो तुम्हारा कुछ बिगड़ जाता क्या? नहीं, पर नहीं दी। उसी तरह जब बचपन अच्छा था भगवान को नहीं दिया, जवानी अच्छी थी भगवान को नहीं दी, अधेड़ी अच्छी थी भगवान को नहीं दी, आ गया बुढ़ापा, रोटी गल गई, मुंडा का सारा सोफा सेट निकल गया, खिड़कियां खराब हो गई, पूरा अब क्या कह रही? बेटा मुझे शिव पुराण में ले चल। आजकल के बच्चे कुत्तों को घुमाना पसंद करे पर बुढ़ा बुढ़ी को नहीं। कौन घुमाए तुमको, कौन ले जाए? आज की औलाद कुत्तों को घुमाना पसंद करे पर बूढ़े बूढ़ी को नहीं ले जाए, कौन ले जाए इनको? इसलिए निवेदन है, बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर बुढ़ापा मत बिगड़ने देना। बुढ़ापा बिगड़ गया तो जीवन नरक हो जाएगा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, ट्रेन अपने स्टेशन पे खड़ी है। इसलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो, शिव का भजन करते रहो, जीवन का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा क्या भरोसा इसका? साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। भजन करो, आप मन से कुछ नहीं तो भगवान का भजन भी नहीं आए ना, तो भगवान की आरती ही गुनगुनाने करो, थोड़ा बहुत नहीं आए भजन तो। जगदीश हरे, जगदीश हरे, जगदीश हरे, जगदीश भाव सुनो जो मन में आए, जैसा कुछ नहीं तो आरती, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गऊं मैं किसकी। एकांत में जब बैठ गए, कोई नहीं अपने पास में, भगवान से जब बात कर रहे हो, दिल की डोरी उस परमात्मा से जोड़ रहे हो, तब कह दिया मात पिता तुम मेरे शरण गऊं मैं किसकी, तुम बिन शिव बिन और ना, हरि बिन और ना तुज,
जा मैं आस करूं मैं किसकी। ओम जय सहरे। माना हम पापी हैं, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। हे भोलेनाथ, ये जीवन में बड़ा कष्ट है, बड़ी बीमारी, बड़ा रोग, कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, सब में प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जग जगदीश हरे। क्या दूं मैं आप, मैं तो देने के लायक भी नहीं हूँ। एकांत में बैठे भगवान से स्तुति करते हो, क्या दूं मैं आपको। तेरा तुझको अर्पण, हरि का हरि को समर्पण, क्या लागे मेरा। क्या है संसार में हम लायक क्या थे, मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। ये दुनिया के लोग कहते हैं, शिव महापुराण नहीं कहती कि हाथ पसारे जाएगा, शिव पुराण तो कहती है मुट्ठी बांधे आया जग में, झोली भर ले जाएगा। क्या, जो तूने भजन करा, कीर्तन करा, दान करा, पुण्य करा, सत्संग करा, इसका पुण्य तेरे साथ जाएगा, खाली नहीं जाएगा, जो तूने करा है वो जाएगा। ये लाइन गड़बड़ है कि मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, फिर अपना पुण्य कौन लेके जाएगा, भैरू कौन दूसरा लेकर जाएगा। अपना पुण्य अपन लेकर जाएंगे, अपना पाप अपन लेकर जाएंगे, अपना सत्कर्म अपने साथ जाएगा, अपना कर्म अपने साथ जाएगा। पुण्य करा है तो पुण्य साथ जाएगा, पाप करा है पाप साथ जाएगा, कुछ दूसरा सामान नहीं जाएगा। जिस समय पर मुर्दे को रस्सी से बांधा जाता है, वो रस्सी नहीं होती, हमारा पाप और पुण्य बांधा जाता है कि ये तेरे साथ जाए। पाप और पुण्य बांधा जाता है, ये तेरे साथ जा रहा है। तेरा करा गया दान, तेरा गया करा गया सत्कर्म, तेरा करा गया पुण्य तेरे साथ में जा रहा है, कोई दूसरा नहीं, तेरा करा। पार्वती मैया ने तप साधना करकर शिव जी को प्राप्त कर लिया। शंकर भगवान ने परीक्षा ली, बार बार परीक्षा ली, पार्वती सब परीक्षा में पास हो गए। आता है जीवन में हारना मती, किसी एग्जाम में बैठ रहे हो, कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठ रहे हो, किसी परीक्षा में बैठ रहे हो, हारना मती। एक बार हार गए, दूसरी बार हार गए, तीसरी बार शंकर भगवान पर विश्वास करना, कच्चा दूध लेना गाय का, थोड़ी सी काली मिर्च उसमें मिला लेना, शिव जी को समर्पित करना, एक लोटा पानी चढ़ाना, अपना नाम गोत्र बोलकर शिव जी से विनती कर एग्जाम में बैठ जाना, बाबा पास कर देगा, पक्का है। उस पर विश्वास रखकर जाना, उस पर भरोसा रखकर जाना, करो भगवान का एक क्रम अपने जीवन में उतारो। क्यों भगवान से विनती करो, निवेदन करो, अर्चना करो, चाकरी करो, शिव की स्तुति करो। महाराज पार्वती मैया नहीं आ रही, आखिरी में भगवान शंकर मिले, शिव जी मिले। ऐसा नहीं कि शिव नहीं मिले, आप हिम्मत मत हारो, मिलेगा मेरा भोला। बस उसको पाना एक लक्ष्य तक। काहे बटोरे कंकर पत्थर, जब हीरा मिला कोहिनूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर। वो मिलेगा जरूर।